इसमें सारे के सारे जो आपके डाउट्स हैं माउथ और उनके बारे में, वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने सिखाया था आपको 9 नंबर के होल से, आपको अगर याद होगा तो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं जब हम सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 नंबर का जो होल है दोस्तों, नीचे होता है ये होल और ये 9 नंबर का होल एक्चुअली एक ही आवाज़ करता है, दोनों की आवाज़ सेम होती है अगर हम चेक करें तो। तो आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, हम कभी भी जब किसी होल में, किसी विंडो में ब्लो या सक करते हैं तो वो अकेला विंडो काम नहीं करता है, उसके साइड वाला विंडो पे हमेशा काम करेगा, मतलब एट अ टाइम दो विंडो काम करते हैं, इसीलिए एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से विंडो होते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, जब मैंने कहा था 10 नंबर तो इसका मतलब है 9 नंबर के भी विंडो ने सेम वर्क किया था, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको सीखना क्या है कि सा जो है, जो मैंने अभी बताया 10 नंबर पे, ठीक है, सा तो 10 नंबर पे मैंने सा किया, 9 और 10 दोनों मिला के ये सा है हमारा। हमने सीखा था सा पे ब्लो करना है, ठीक है, तो 10 पे हमने ब्लो किया, फिर थोड़ा साइड में सर के, फिर हमने सक किया था, ठीक है, ड्रॉ करना बोलते उसको, तो रे, फिर हमने थोड़ा साइड में एक विंडो साइड में सरक के, मतलब एक के बजाय हम दो सरक जाएंगे एक्चुअली, तो साइड में सरक के हम फिर ब्लो करेंगे, तो देखो तो इस तरह से हम चलते रहेंगे, सा रे ग म प, तो हमको ब्लो करना है मतलब हवा फूकनी है, ब्लो फिर सक करना है मतलब हवा खींचनी है, तो हम हवा फूकेंगे खींचेंगे इस तरह से। सिर्फ ध और नी पे क्या करना है, जब ध और नी आएगा, जैसे जैसे हम एक एक विंडो साइड में सरकते जा रहे, ध पे हमने सक करना है और नी पे भी सक करना है, ध पे भी खींचना है, नी पे भी खींचना है और सा पे छोड़ देना, बस सिंपल। तो हम ध पे भी खींचेंगे, नी पे भी खींचेंगे, सा पे छोड़ देंगे, इतना सिंपल है। वो वापस जब आएंगे उसको अवरोह कहते हैं, जाते टाइम आरोह सारे गम पध नी सा, आते टाइम अवरोह, अवरोह में डिसेंडिंग ऑर्डर में जब उसको अवरोह कहेंगे तो अवरोह में हमने क्या करना है, नी को भी खींचना है, ध को भी खींचना है, जैसे जाते टाइम हमने ध को भी खींचा नी को भी, तो आते टाइम भी वही करेंगे सेम, नी को भी खींचेंगे ध को भी खींचेंगे, एज इट इज प्ले होगा, ठीक है। अब आज का जो मेन लेसन ये तो हो गया सारे गमों पर, ठीक है, अब आज जो हम सीखने वाले हैं, सारे गम प से पूरा गाना बनता नहीं दोस्तों, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि सा के बाद रे आता है लेकिन सा और रे के बीच में कोमल रे होता है, अंडरलाइन हम उसको देते हैं, अंडरलाइन रे बोलते हैं उसको, तो अंडरलाइन का मतलब क्या हुआ, हमने उसको एक सिंबल दिया अंडरलाइन, वो पंडित भातखंडे जी जो है पूरे इंडिया में एक दो ही सिर्फ माने जाते पंडित लोग, शास्त्रकार बोलते हैं उनको, उन्होंने क्या किया अपनी एक रचना बनाई, लिपि बनाई, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, जो संगीत सीखे हुए बड़े आर्टिस्ट होते थे, गायक वादक, वो अपनी विद्या अपने शिष्यों को देते थे, उनके अलावा किसी और को नहीं देते थे, तो उनका शिष्य बनना बड़ा मुश्किल होता था, आपने फिल्मों में देखा होगा, तो उस विद्या को बाहर कहीं भी एक्सपोज नहीं होने देते थे, स्प्रेड नहीं होने देते, तो फिर भातखंडे जी ने क्या किया, उनके पास जाके उनसे वो विद्या संगीत के जो गाने होते थे अच्छे अच्छे क्लासिकल, वो सीखे और पुस्तक में लिखे, क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था, संगीत वाले लोग हैं ना गुरुमुखी विद्या बोलते उसको, गुरुमुखी मतलब गुरु गाना गाएगा, विद्यार्थी उसको तभी के तभी सुन के बार बार रट्टा मार के लर्न कर लेगा, मतलब लिखेगा नहीं कहीं वो लिखता नहीं था, और ऑडियो कैसेट वगैरह का तो कोई रोल ही नहीं था उस समय ज़माने में, तो फिर भातखंडे जी ने किताबों में खंड एक खंड दो मतलब पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके ऐसे बुक्स बनाए बहुत सारे, उसमें वो गाने लिखे, तो उन्होंने वो लिखते समय फिर उन्होंने सोचा कि मैं इस संगीत की रचना को लिखूं कैसे, क्या नोटेशन सिस्टम क्या होगा, तो वेस्टर्न नोटेशन तो आपको पता है, तो ये इंडियन नोटेशन सिस्टम है जिसके लिए, जिसकी वजह से हम बॉलीवुड के सारे जो ट्रेंडिंग गाने चलते हैं आज जितने भी, वो उस सिस्टम से चलते हैं। तो भातखंडे जी की एक तो वेस्टर्न सिस्टम होता है, दूसरा इंडियन नोटेशन है, तो उसमें भातखंडे जी और जो दूसरे संत जो मैंने बताए बड़े पंडित,
वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर है, वो दक्षिण भारत के बड़े लीडर है, ठीक है। तो वो दक्षिण भारतीय पद्धति है, थोड़ा सा उसमें चेंज है, वो सिस्टम थोड़ी सी अलग है। हम हमारे भातखंडी जी की जो है सिस्टम, मतलब महाराष्ट्र के है वो, तो भातखंडी जी ने जो बनाई वो पूरे उत्तर भारत में चलती, जम्मू कश्मीर से लेके नीचे अभी महाराष्ट्र एंड होता है तो वहाँ तक वो चलती है। महाराष्ट्र के नीचे फिर जितने भी राज्य हैं उनमें फिर पंडित पलुस्कर जी की पद्धति चलती है। तो उस पद्धति में क्या है, अंडरलाइन रे का मतलब होता है कोमल रे, ठीक है। तो तब हमको ये लीवर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आज के वीडियो में मैं सारा क्लियर कर दूंगा, सारे गमों को आप सीख गए अभी के अभी। मैंने कहा 10 नंबर से चालू में सारे गम प ध नी सा, ध पे खींचना, नी पे खींचना, सा पे हमको ब्लो करना है, ये हो गया ख़त्म। अब इसके पहले हमको सीखना है सबसे इम्पोर्टेंट, सारे गम प जो बीच वाला पट्टा है उसके पहले सेम सारे गम प का पहला पट्टा होता है, उसको हम कहते हैं लोअर ऑक्टेव। लोअर ऑक्टेव का मतलब है निचले सुर, निचले सुर मतलब सेम पहले विंडो से वही करना है जो अभी आपने 10 नंबर से सीखा ना, वही आपको फर्स्ट नंबर से करना है। सा, सा पे ब्लो करेंगे, पहले हवा छोड़ेंगे, सा रे ग म प ध नी सा, एग्जैक्टली वही सेम। तो ये हो गया पहला लोअर ऑक्टेव सारे गम प ध नी सा। फिर बीच वाला हमारा उसको मिडल ऑक्टेव कहते हैं, तो मिडल ऑक्टेव हो गया सारे गम प ध नी सा। सारे पिक्चर के गाने जो होते हैं ना वो मिडल ऑक्टेव में चालू तो होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे पीछे खिसक जाते हैं। बहुत से गानों में अब कोई भी हम गाना सीखेंगे तो बहुत से सुर उसके पीछे आएंगे, तो थोड़ा सा पीछे अगर आना पड़ा तो हमको लोअर ऑक्टेव के सुर लेने पड़ते उसके लिए, ठीक है। तो लोअर ऑक्टेव के सुर को हम दर्शाएंगे कैसे, अगर ये सारे गम 10 से चालू होता है, ध्यान दीजिएगा अभी आपने सारे गम प ध नि सा बीच में है 10 नंबर से चालू हुआ, तो सा के पहले क्या आएगा, सा के पहले आएगा इधर के सारे गम प ध का नी आएगा, सारे गम प ध नी आएगा उस सा के पहले। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। तो सा के पहले क्या आता है, नी। जैसे नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6, तो जीरो है, जीरो तो सेंटर है, जीरो के आगे प्लस वाला वन आता है, तो जीरो के पीछे क्या होता है, माइनस वाला वन आता है। तो ये आपको याद रखना है। अब नी आएगा लेकिन उसको हम फिर दर्शाएंगे कैसे, नोटेशन में कैसे लिखेंगे, नी को हम लिखेंगे नी के नीचे डॉट, ठीक है, नी के नीचे डॉट बड़ा वाला। तो डॉट मतलब फुल स्टॉप नहीं, अलग टाइप का डॉट होता है। तो नी के नीचे डॉट मतलब हमारा जो रेगुलर नी है वो वाला नी नहीं, सारे गम प ध नि सा के पहले वाला नी, मतलब लोअर ऑक्टेव का नी, मतलब जो बड़ी आवाज़ में आएगा नी इस तरह का, और जो मिडल ऑक्टेव का नी है वो नी बारीक होता है, ठीक है। और अब मेन चीज़, अगर नीचे डॉट लगता है तो फिर लोअर ऑक्टेव के सुर सारे गम प ध नि सा के पहले वाले, मतलब माइनस वाले। अब ये सेंटर हो गया, अब ये प्लस डबल पॉजिटिव में जाएगा, मतलब सारे गम प ध नि सा खत्म होने के बाद भी सारे गम प ध नि सा है। तो हम देखते हैं वो कहाँ से होता है, जिसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा हवा की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है, तब जाके ये सुर बजेंगे क्योंकि बारीक होते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप, ये है दोस्तों लोअर ऑक्टेव 10 नंबर के पहले। अब 10 नंबर से हमने जो चालू किया वहाँ से सारे गाँव पर देने सा, अब अपर ऑक्टेव कहाँ से चालू होता मैं आपको बता दूँ, अपर ऑक्टेव दोस्तों 18 नंबर से चालू होगा, ठीक है, याद रखना है आपको 18 नंबर से चालू होता है। 18 नंबर की विंडो जो नीचे है वहाँ से चालू होगा अपर ऑक्टेव, तो वहाँ से सेम करना है आपको सा रे ग म प ध नि सा, सेम टेक्निक, सा रे ग म प ध पे खींचना है, नी पे भी खींचना है, सा पे एंड कर देना। अब ये हो गया अपर, अब उसको कैसे दर्शाएंगे, उसके ऊपर डॉट रखेंगे हम, ठीक है, सबके ऊपर बिंदी मतलब ऊपर डॉट, और अगर लोअर ऑक्टेव का है तो नीचे डॉट, अगर अपर ऑक्टेव का है तो ऊपर डॉट, और बीच में है तो कुछ भी नहीं, बीच में मतलब कुछ भी नहीं।